पापा उस लोल को घर से निकाल के बाहर फेंकी है, उसके चक्कर में मेरा बहुत बेइज्जती हुआ है। अभी वो लोल बाहर खड़ा होकर टकला को बोल रहा है काला कद्दू का जितना बेइज्जती करने करो, और वो पागल साला टकला उसको काला कद्दू समझ के मेरे मुंह पर हमारा बेइज्जती कर रहा है, हमको गाली दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, घोड़ा कद्दू को चोर बोला, और ये सब सहना पड़ रहा है सिर्फ आपके चक्कर में हमको। जब आपको पता चल चुका है कि काला कद्दू हमें और वो लोल को इतना दिन आप सजा भी दे दिए, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उसको पुलिस के हवाले कीजिए, पुलिस आपका उससे आपको पैसा भी निकाल कर देगी और उसको जितना सजा देना होगा देगी। उसको भगाइए यहाँ से, और इससे ज्यादा दिन हम ड्रामा नहीं कर सकते, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। अरे क्या वो टकला हमको चोर बोला? उसका इतना मत हमको चोर बोलेगा, मेरा तो वहाँ पे कोई मैटर भी नहीं था, तुम लोग का बातचीत चल रहा था, हमको क्या चोर बोला? वो लोल को तो तुम लोग देखो, लेकिन आज उस टकला को हम छोड़ेंगे नहीं, उसका कपार फोड़ देंगे। अरे चपड़ा तुम दोनों, जैसे ड्रामा चल रहा है चलने दो, हम अपने बताएंगे कब क्या करना है और कैसे करना है। तुम्हारा लोल बेइज्जती किया है ना, अब देखना हम उसका बेइज्जती कैसे करते हैं, उससे कैसे बदला लेते हैं, तब तो खुश रहोगे, तुम्हारा बेइज्जती का बदला ले रहे हम। अरे साला, यहाँ हमारे खिलाफ ये सब प्लान चल रहा है और हमको पता ही नहीं है। हम इतना दिन से सोच रहे थे कि हम इस लोग को बुड़बक बना रहे हैं, और हमको मालूम ही नहीं है कि ये लोग सब मिलके हमको बुड़बक बना रहा है। मतलब ये तीनों बाप बेटा आपस में मिला हुआ है, इस तीनों को पता है कि हम लोल है, इसीलिए हमारे साथ ये सब हरकत कर रहा है, इतना दिन से हमको इतना परेशान कर रहा है ये लोग। तभी हम इतना दिन से सोच रहे थे कि कोई बाप अपना बेटा के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अब समझ में आया, हम बेटा थोड़ी ना, तभी ना हमारे साथ ऐसा हो रहा था। अच्छा बेटा काला कद्दू और उसका बाप, तुम लोग हमारे साथ ये सब खेल रखे हो ना, अब तुम लोग को पता चलेगा हम क्या करेंगे। कहे कि हमारा नाम लोल है और इतना आसानी से हमारा कोई भी पोल नहीं खोल सकता है। अब देखो हम क्या खेल रचते हैं तुम लोग के खिलाफ, अब तुमको सब पता चल गया कि हमारा दुश्मन कौन कौन है। काला कद्दू, ए काला कद्दू इधर आओ। आ गया बुड्ढा का आवाज, अब हमको बेइज्जत करने के लिए अंदर बुला रहा है। जाते हैं, देखते हैं कितना बेइज्जती करता है, उसके बाद गिन गिन के बदला लेंगे इससे। क्या जी तुम्हारा इतना मन बढ़ गया है कि घर आए मेहमान का तुम बेइज्जती करोगे? अरे हम का इसका कोई बेइज्जती की है? टकला नेता को क्या बोल रहे थे तुम कि काला कद्दू का जितना बेइज्जती करना करो, यही संस्कार दिए हम तुमको? अरे तो उसमें इसका काम कोई बेइज्जती हुआ, उसमें तो हमारा बेइज्जती हुआ ना। हम बोले काला कद्दू का जितना बेइज्जती करना करो, काला कद्दू कौन है? हम है कि ये है? और अगर काला कद्दू हम है और हम चाहते है कि हमारा बेइज्जती हो, तो इससे आप लोगों को क्या परेशानी है? अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हारा अगर कोई बाहर वाला बेइज्जती करेगा तो वो सिर्फ तुम्हारा बेइज्जती होगा, वो हमारा भी बेइज्जती होगा, हम लोग के पूरे घर का बेइज्जती होगा, समझे? काहे कि तुम इस घर का मेंबर हो ना, लोल से कुछ सीखो तुम। टकला नेता तुम्हारा बेइज्जती किया लेकिन बुरा इसको लगा, और तुम साला पागल आदमी अपना बेइज्जती खुद करवाता है, उसके बाद भी तुमको गुस्सा नहीं आता है। ये तो लोल हमको बताया कि टकला नेता तुम्हारा ऐसे बेइज्जती किया है, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं चलता। आज के बाद अगर कभी किसी को बोले काला कद्दू का बेइज्जती करो तो टांग काट देंगे तुम्हारा। बुड्ढा बोला टांग काट देगा हमारा, अब इतना आसान नहीं होगा टांग काटना बुड्ढा, ऐसे हम पता लगा लिए हैं, तुम भी होशियार मिला हुआ इसके साथ, तभी तो इस बुड्ढा को इतना खुजली हो रहा है। काला कद्दू को कोई बुढ़ा ना बोले, काहे कि इसको पता है लोल हम है, काला कद्दू ये है, अपना बेटा का बेइज्जती कैसे सहेगा बुड्ढा? अब तो और बेइज्जती करवाएंगे इसका बेटा का, जानबूझकर करवाएंगे, देखते क्या करता बुड्ढा। समझ रहा है कि नहीं, क्या सोचते रहता है तुम? समझ गए आपका बात, समझ गए कि हमको अपना बेइज्जती नहीं कराना, यही बोलना चाह रहे ना आप? लेकिन कभी इसके पीछे का कारण समझने का कोशिश किए कि काहे हम अपना बेइज्जती करा रहे हैं? काहे कि जब हमारा घर में कोई इज्जत नहीं है तो बाहर वाला बेइज्जती करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा जब घर वाला मेरा इज्जत नहीं करता है? देख नहीं रहे हम इतना दिन से आप हमारे घर क्या कर रहे हैं? बाहर वाला लड़का को लाकर घर में इज्जत दे रहे हैं और घर का बेटा को बेइज्जत कर रहे हैं। अरे ये सब ड्रामा बंद करो साले, हमारे सामने ये सब एक्टिंग मत किया करो, नहीं तो मार के जूता तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, भाग यहां से। जा रहा है पागल साला, अब हम अपना एक्टिंग शुरू करते हैं, देखना ना कैसे कान लगा कर सुनेगा। अरे बाटला, वो जो 5 लाख रुपया रखे थे हम गटर के पास दाब कर, वहाँ से वो निकाल लो जल्दी जल्दी, काहे की लेकर भागना है हम लोग को, नहीं रहेंगे अब हम यहाँ कद्दूपुर में, जहाँ रह रहे थे ना वो काला कद्दू का घर पे, बहुत बेकार घर है, नहीं रहेंगे। अच्छा ये लोल 5 लाख रुपया वहीं गटर में रखा है और वहाँ से निकाल कर भागने का प्लानिंग कर रहा है? बेटा तुमको भागने नहीं देंगे, अभी हम जाते हैं वहाँ से, हम ही निकाल लेंगे पैसा और उसके बाद पापा को बोलकर इसको घर से भी निकलवा देंगे, काहे की पैसा ही के लिए तो पापा इंतजार कर रहे हैं। एक बार पैसा आ गया ना, ये बेटा घर से आउट हो जाएगा, अपना पर अपने कुल्हाड़ी मार दिया, काहे कि इतना सीक्रेट बात कोई ऐसे रोड पर चला चला के करता, पागल है साला ये लोल। इसीलिए तो कहते हैं पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर गवार रहेगा तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करेगा, पढ़ा लिखा आदमी सीक्रेटली बात करता है अमरी तरह। हाँ बेटा काला कद्दू, जितना खुश होना खुश हो लो, इसके बाद तो तुम्हारा जीवन में सिर्फ दुख होगा और कुछ नहीं। अब तुम्हारे दुख के साथ साथ तुम्हारे बाबूजी के जीवन में भी दुख आने वाला है, काहे कि वो तुम्हारा साथ दिए ना, तो अब उनके जीवन में भी लोल नाम का ग्रहण लग चुका है। 5 लाख रुपए के लिए हमको इतना दिन घर में जेला ना तुम्हारा बाबूजी, और हमको इतना परेशान किया ना, अब तो उसका पूरा तिजोरी खाली कर दी है, घर तो जय बुड्ढा को पता चलेगा पूरा तिजोरी खाली है।
अरे गोड़ा कद्दू, हमारा तिजोरी का ताला टूटा हुआ है, उसमें पैसा सब पड़ा हुआ था, कहाँ गया पैसा हमारा? तुम लोग साले खाली बैठे रहते हो, घर में कोई चोर आया पैसा लेके चला गया और तुम लोग खाली बैठे रहो, टीवी देखो खाली सारा दिन बैठ के। अरे चोर क्या आएगा, कोई चोर नहीं आएगा घर पे, घर पे एक चोर को ऑलरेडी आप पाल के जो रखते हैं उस लोन को, वही आपका पैसा चुरा के गया होगा। 5 लाख रुपए आपको निकालना था ना, आपका सारा पैसा ही निकाल लिया। अब मुँह क्या देखते हो मेरा, चलिए थाना। साला इस घर में हमारे सिवा कोई होशियार है ही नहीं तो किससे बात करे, घर का सारा जिम्मेदारी हमारा कंधा के ऊपर पड़ गया। आके हम साला पैदा ही नहीं होते तो क्या था आप लोग का बताइए। अरे मारेंगे साले दो जूता ना तो मुंह तोड़ देंगे, चलो। साला घर में चोरी हुआ है और तुमको मजाक सोचता है, मजाक करता हमारे साथ। ये साला अपना घर गटर में गया होगा, वहीं जाते हैं, मिला ना तो आज उसका हड्डी तोड़ देंगे हम। क्या रे लोल, पहले तुम हमारा 5 लाख रुपए चुराया, अब हमारा पूरा पैसा चुरा के लाया और यहाँ पे घर रहा है? हमको पहले ही से शक था तुम्हारे ऊपर, आज तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे पापा हम काला कद्दू, हम लोल नहीं है और यहाँ पैसा गाड़ने नहीं आए, आपका 5 लाख निकालने आए हैं। अरे झूठ मत बोलो साले, काला कद्दू के बात पता ही नहीं है, सिर्फ लोल को पता है यहाँ पे पैसा गड़ा हुआ था। तुम ही लोल है, एक्टिंग करता है, एक्टिंग हम तुम्हारे साथ कर रहे थे, हमको सब पता था तुम ही लोल हो, आज तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हम बोले थे ना आपको हमारा पैसा यही चुराया होगा, इसको पकड़ के अंदर कीजिए, यही लोल है। अरे कद्दू जी, इस बार पक्का है कि नहीं कि यही लोल है? काहे कि पिछली बार जब आप लॉकअप में डलवाए थे तो आप कह रहे थे कि ये काला कद्दू है, FIR मत लिखिएगा, हम इसको सजा देंगे अपने पर्सनली, इसीलिए हम लोग सिर्फ कुछ दिन ऐसे ही डाल दिए थे उसको लॉकअप में। इस बार तो इसको लॉकअप में डालेंगे तो FIR भी लिखेंगे और फिर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस भी करेंगे, तो सोच लीजिए यही लोल है कि नहीं, फिर सजा भी होगा इसको, इसीलिए पूछ रहे हैं कहीं ये काला कद्दू तो नहीं है। अरे नहीं है ये काला कद्दू, इस बार हम पक्का कंफर्म है, आप लिखिए FIR और डालिए साले को अंदर, और कम से कम इसको 10 साल का सजा दिलवाइएगा और जितना उल्टा सीधा केस है सब इस पे लगाइएगा। अरे बेटा आप गया ना जीवन भर के लिए अंदर, बाप बेटा दोनों होशियार बन रहा था, हमसे उलझ रहा था, अब समझ में आया ना हम कौन है लोल, अपने हाथ से अपना बाप बेटा को सजा दिलवा रहा है, ऊपर से बोल रहा है जितना उल्टा सीधा केस है सब लगाइए, ऐसा पागल बाप होगा तो बेटा का क्या होगा। आज तक इस कद्दूपुर में कोई पैदा नहीं हुआ जो लोल का पोल खोल सके, काहे कि लोल जब भी पोल खोलेगा अपने मुंह से खोलेगा और कोई नहीं खोल पाएगा।